स्टार्ट। हाँ तो भैया राम, तो अपन खड़े हुए हैं लंदन के विक्टोरिया स्टेशन पे। तो भैया ऐसा क्या हो गया कि अपन क्रोडल से आ गए लंदन, आप लोगों यहाँ से जाना था बात, बट बीच में आ गया टेरेसा में का फोन, बोले भाई साहब यार आप लंदन तक आए हो, घर में आ रहे हो, चाय नाश्ता करके जाओ, मेरी समस्या भी सब सुलझा दो। आपको तो पता ही होगा टेरेसा में के मंत्री मान नहीं रहे ब्रेग्जिट डील के लिए। तो उसने वैसे घने निवेदन करा कि भाई साहब आप आ ही रहे हो यूके, तो 4-5 दिन बिताओ मेरे साथ, फिर यहाँ पे थोड़ा मंत्री से बातचीत करेंगे। मैंने कहा यार देखो पर्सनल ट्रिप पर हूँ, काम कुछ करूँगा नहीं, मैंने कहा मेरी बीवी से बात कर, अब उसकी हिम्मत तो है नहीं कि पल्लू से बात कर ले, पल्लू तो उसको छेल खा गए, उसने बात करी नहीं। अब चूँकि उसको पता लग गया कैसे भी करके कि मैं आ रहा हूँ लंदन, तो पीछे पड़ गई यार वो, अब समझ नहीं आ रहा है मेरे। उसके इतनी बार फोन आ गया बाहर, दो कार खड़ी, पर मैंने कहा यार अब चलेंगे तो नहीं, तो इधर आया थोड़ा घूमने, भाई साहब को घुमा लेते हैं यार। ये देखो यहाँ पे अपर क्रेस्ट नाम से दुकान है, अब यहाँ पे बस बगेट्स बगेट्स, पता नहीं क्या समझ नहीं आ रही भैया, अपने तो अंग्रेजी नाश्ते की, तो अपन तो भैया क्या है कि देसी आदमी है, घर से सुबह सुबह साबुदाना खिचड़ी बना के और पैक करके लाए हैं। तो अभी अपन बस में जाएंगे, तो बस में अपन किसी मिनट आराम से दबाएंगे। और ये देखो जूस भी लाए हैं, हाँ गैस जूस भैया जूस लीजिए, हाँ ये ऑरेंज जूस भी लाए हैं। तो सस्ते का काम टिकाऊ होना चाहिए भैया, ऐसे क्या है विदेश के लोग यहाँ पे सुबह सुबह कच्चा दूध खा लेते हैं, अपने को नहीं आता भैया, अपन सोचते हैं कि जैसे आदमी है खिचड़ी खाते हैं साबुदाने की। और आपको दिखाते हैं, आइए जब देखिए यहाँ पे और क्या क्या, डब्ल्यू स्मिथ की दुकान है, मानसून है, ये है फलाना डे का दुकान, अरे 50-50 दुकानों में क्या मिले, सूखी ब्रेड, ठंडी ब्रेड के ऊपर ठंडा चीज़, 3.5 pounds। अरे भैया 350-350 rupees तो इंडिया में अपन भारतीय जलपान ग्रह बैंगलोर में खाना खा लो, बताओ वहाँ के रॉयल थाली पनीर मखनी और ये और वो फलाना ढीका, ऐसे ही भैया देश देश की महिमा है। पर चलो कोई बात नहीं, अभी मैं रखता हूँ, मैं टेरेसा में दोबारा फ़ोन आ रहा है, तब तक भैया जय श्री राम जय श्री कृष्ण।